भक्त वह जो परमात्मा को अपना सर्वस्व न्योछावर करे। जैन श्रविका पिंकी बेन नागौरी के 108 उपवास की तपस्या के प्रेरणा महोत्सव पर जैनाचार्य नरदेव सागर सूरी, आचार्य जीन रत्न सागर सुरीश्वर, आचार्य जीत रत्न सागर सुरीश्वर, आचार्य चंद्र रत्न सागर सुरीश्वर, आचार्य मृदु रत्न सागर सुरीश्वर महाराज सहित आदि 50 से अधिक साधु साध्वी भगवंतों के सानिध्य में प्रतिदिन कई कार्यक्रम चल रहे हैं। महोत्सव के छठे दिन छोटी सादड़ी में सर्वप्रथम 108 जोड़े का नाकोड़ा भैरव महापूजन हुआ, जिसमें एक समान वेशभूषा में श्रावक श्रविका ने भैरव देव का महापूजन किया, जहां धर्म सभा को संबोधित करते हुए जैनाचार्य ने कहा कि संपूर्ण संसार आदि व्याधि उपाधि से भरा है, अगर कोई सहारा है तो वह परमात्मा की भक्ति है। भक्ति भक्तों को भगवान बनाती है। जो भक्त भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान भी भक्तों की सहायता करने चला आता है। उक्त आशय के विचार स्थानीय सिंधाचल वाटिका में चल रहे पिंकी नागौरी के 108 उपवास के तपोत्सव में निशा प्रदान करने पधारे आचार्य नरदेव सागर सूरी ने महाराज ने सभा में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। साथ ही आचार्य जीत रत्न सागर सूरी ने कहा कि भगवान के पास जो भक्त बनकर जाता है तो परमात्मा उसे सहायता करते हैं, मगर जो भिखारी बनकर परमात्मा के पास जाते हैं वह फलीभूत नहीं होते। साथ ही आचार्य ने कहा कि आज भगवान के मंदिर में भक्त तो कम दिखते हैं और कम भक्त ज्यादा दिखते हैं। भक्त वह होते हैं जो परमात्मा को अपना सर्वस्व संपन्न कर देते हैं। कम भक्त जो परमात्मा के पास जो होता है वो भी लेकर चले जाते हैं। परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसके साथ ही 108 जोड़ों के द्वारा नाकोड़ा भैरव देव का महापूजन संपन्न हुआ, जिसमें सभी जोड़ों को भैरव देव की आकर्षक मूर्ति एवं किट प्रदान की गई। वहीं विभिन्न चढ़ावे भी बोले गए, जिसमें बढ़ चढ़कर समाजजनों ने भाग लिया।